आज की वीडियो में हम यहीं केवल मॉडलिंग करेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग की मॉडलिंग करेंगे। तो मेरे पास उसका एक प्लान है जो मैंने खुद ही बनाया है, इस प्लान को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई, कॉलम बीम, एक सर्कुलर बीम और कंक्रीट की, ठीक है। ये 6 मीटर का स्पैन है, 6 मीटर 6 मीटर, उस तरह से स्पैन थी हमें, कॉलम सर्कुलर बीम, ठीक है। यहाँ पे साफ्ट है ओपनिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका लिफ्ट का स्पेस है, और ये प्लान है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ई टैब में न्यू मॉडल करते हैं, उसके बाद ऑप्शन आता है आपका यूनिट और डिजाइनिंग कोड चूज करने का। तो हमने यहाँ पे किया मैट्रिक SI इंडियन कोड, ले लेते हैं हम डिजाइन ऑफ स्टील और कंक्रीट का, ओके कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्रिड डिफाइन करना, ठीक है। तो ग्रिड हमें प्लान के अकॉर्डिंग डिफाइन करनी होगी, ठीक है। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस में, तो एक ग्रिड ये होगी ग्रिड लाइन, दूसरी ग्रिड लाइन ये होगी, तीसरी ग्रिड लाइन ये होगी, चौथी ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये, तो यही तो होंगी ग्रिड लाइन आपकी एक्स में। तो क्या होगा आपका, कितनी स्पेसिंग, 3 3 6 3 9 3 12, ये 3 है, ये भी 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 स्पेसिंग 3 है। तो 1 2 3 4 5 6 स्पैन और 3 3 स्पेसिंग। तो हम यहाँ इसमें कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में स्पेसिंग 3 मीटर और नंबर ऑफ लाइन 7, जितनी लाइन होती है अगर मैं डालूँ 7 तो कितने स्पैन हो जाएंगे, 6 7। अब वाई में चेक करते हैं, 1 4 मीटर 2 4 मीटर 3 4 मीटर 4 4 मीटर 5 3 मीटर, यहाँ कस्टम ग्रिड है, ठीक है, 3 4 4 4, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम ई टैब में गए और हमने किया यहाँ पे कस्टम ग्रिड ऐड। तो जो हमारा एक्स ग्रिड है, स्पेसिंग कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 3 है, तो ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, फर्स्ट है 3, फिर है 4, फिर है 4, है ना, कितने हैं देखिए, एक स्पैन, दो स्पैन, तीन स्पैन, 4 के आपके 3 स्पैन है। तो ये भी 4 और ऐड कर लो लास्ट 0 4, ठीक है। इसी तरह इसी ग्रिड का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, बबल का साइज छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट कर लेते हैं, अब ठीक है ना, ठीक है, ओके कर देते हैं। ये हमारी ग्रिड डिफाइन है। उसके बाद नंबर फ्लोर है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, ईच फ्लोर 3 मीटर, ठीक है। ये फ्लोर डाटा है, हमने यहाँ पे डाल दिया 10 फ्लोर 3 मीटर, ठीक है, ओके कर देते हैं। अब आपकी ग्रिड जो आ जाएगी उसमें बीम और कॉलम डिफाइन करेंगे, ड्रो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये आ गया, सबसे पहले मटेरियल M25 और एक कॉलम ये रेक्टेंगुलर, एक सर्कुलर कॉलम और बीम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन मटेरियल, एड न्यू, इंडिया कंक्रीट M25, डन, M25 रहने देते हैं, ओके ओके। उसके बाद डिफाइन करना है सेक्शन, एड न्यू रेक्टेंगल, या कॉलम, कितना है हमारा कॉलम एक बार चेक कर ले, हम ये वाला कॉलम डिफाइन कर रहे हैं 300 बाय 600, ठीक। तो 600 है हमारी डेप्थ, 300 है विड्थ, M25 कॉलम का टाइटल 300 बाय 600, ठीक है। तो हमारा ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन हो गया, ये टाइटल हो गया,
और एक कंक्रीट हो गया, ठीक है, ऐड कर देते हैं। इस तरह एक बीम डिफाइन कर लेते हैं, बीम का साइज क्या है हमारा 300 बाय 400, ठीक है। बीम टाइटल 300 बाय 400, कंक्रीट 400 डेप्थ 300 बाय, हम इसे डेप्थ ज़्यादा होती है। कॉलम का क्रॉस सेक्शन ये हो गया, मटेरियल ये हो गया आपका, और आपका टाइटल ये हो गया, ठीक है, ओके। ये आ गया आपका बीम कॉलम, ठीक है। अब हम एक सर्कुलर कॉलम ऐड, क्या डायमीटर सर्कुलर कॉलम का 300 mm, ठीक है। तो ये हमने सर्कुलर कॉलम SCIRCOLM कॉलम 300, ठीक है, और ये M25, मैं यहाँ पे डाया 3, तो यहाँ पे डाया डाल चुके हैं कंक्रीट M25 टाइटल, देखिए यहाँ पे आ चुकी है 3 चीजें। अब इनको हमें लगाना है, ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू दी ड्रॉइंग। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं बीम, यहाँ पे ओ कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ बीम इससे ड्रॉ करते हो, पहले यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, ऑल स्टोरी कर लेंगे, ठीक है, ऑल स्टोरी। तो यहाँ पे हम बीम की प्रॉपर्टी ले लेते हैं पहले, तो जो हमने डिफाइन की है, तो बीम है हमारा 300 बाय 400 अकॉर्डिंग टू ड्रॉइंग ड्रॉ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक जॉइंट है, तो ऐसे नहीं करेंगे 3 मीटर का बीम ड्रॉ किया फिर ऐसे, डायरेक्ट हम 6 मीटर का करेंगे जो प्लान में दिया हुआ है पूरा एक बीम। तो ये वाला बीम ले लेते हैं, इससे क्या होगा ग्रिड को स्नैप कर लेता है, तो इससे अच्छा हम ये वाला ले लेते हैं जो जॉइंट टू जॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्लिक किया, फिर 6 मीटर का बीम है, फिर 6 मीटर का बीम है, फिर 6 मीटर का बीम, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 मीटर और फिर 3 3 है, 4 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 3 फिर 3 और ये फिर 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बीम है और यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल डी से हाइट हो जाती है ग्रिड, कंट्रोल डी मैंने कुछ और लगाया हुआ है, तो देखिए इसी तरह से है ना, ठीक है, ये बन चुके 3 स्पैन। इसके बाद हमें बनाना है ये वाले स्पैन, 4 3 3 3 3, 4 स्पैन है, 1 2 3 4। तो हमने ये वाला इसी से काम चल जाएगा, 1 2 3 4, यही तो ड्रॉ करने हैं हमें इस तरह से, 1 2 3 4। तो हमने ये लेके ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉ एक बड़ा वाला ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है ना, तो इसमें हम कर लेते हैं ये क्लिक, ये क्लिक, और इस वाले से ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि अब मैं इस वाले से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इससे, तो वो इस जॉइंट को ले लेगा यहाँ पे, और दो बीम ड्रॉ कर देगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसलिए मैंने ना ये वाला लिया है। इससे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो एक बीम बन गया, ठीक है। अब जरा हम हाइट करके देखते हैं ग्रिड को, तो शेप आ गई, ठीक है, और कुछ भी है इसमें, अच्छा एक छज्जा निकला हुआ है, ये छज्जा है ये वाला, ऐसे, ठीक है। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा छज्जा जो है हमारा केवल एक ही फ्लोर पे है, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं छज्जे को, क्योंकि ये एक ही फ्लोर पे है। तो यहाँ पे 1 स्टोरी करते हैं और हम जाते हैं डाउन डाउन डाउन,
प्लान और फर्स्ट फ्लोर, और वहां पे ड्रॉ करते हैं इसको छज्जे को, क्योंकि छज्जा एक ही फ्लोर पे है, एक ही कॉलम यहीं पे, तो कॉलम भी बना देते हैं। तो कॉलम का आइकन ये है, ठीक है, कॉलम पे क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन सेलेक्ट करनी है, ऊपर लेगा सर्कुलर कॉलम, और ये हमने यहाँ पे और यहाँ पे लगा, ठीक है। इसके बाद ऑल स्टोरी करते हैं और हम टॉप व्यू पे जाते हैं। टॉप व्यू पे देखिए छज्जा नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर छज्जा था क्योंकि एक ही फ्लोर पे, ठीक है। अब हम कॉलम लगाते हैं, तो कॉलम ले लेते हैं रेक्टेंगल, तो कॉलम था हमारा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और इस कॉर्नर पे था, सॉरी एंटर कर दिए, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ सभी जगह का है ना, और यहाँ पर भी सभी जगह होगा और यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे बन चुका है, एक बार ग्रिड को हाइड करके देख लेते हैं। इस तरह से ग्रिड को ऑन करते हैं और इसको 3D में जरा ग्रिड को हाइड करते हैं, और जरा इसको हम एक्सट्रूड भी कर देते हैं। देखिए इस तरह से दिखाई देगा। अब लगानी है हमें सपोर्ट, तो मैं क्या प्लान बेस, यहाँ पे क्या हमने सारे जॉइंट सेलेक्ट किए, साइन जॉइंट स्ट्रेन फिक्स फिक्स, फिर प्लान को। अब हम डिफाइन करते हैं स्लैब, तो डिफाइन सेक्शन स्लैब 150 mm की एक न्यू बना लेते हैं, ऐड न्यू स्लैब 150 mm, तो वही हम 20 कंक्रीट लेते हैं, 25 150 mm, ओके, ठीक है। अब ऑल स्टोरी करके हम स्लैब बना, स्लैब एक ये भी, एक ये है आपकी स्लैब, एक आपकी ये है स्लैब, ठीक है। एक आपकी फर्स्ट फ्लोर पे भी है स्लैब, ठीक है। और यहाँ पे वन स्टोरी कर देते हैं और स्लैब लगा देते हैं, ठीक है यार। आप देखिए इसमें एक और चीज है, ये जो लिफ्ट है आपकी, यहाँ पे लिफ्ट है और यहाँ पे क्या है साफ्ट ओपनिंग, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर ममटी होगी, दरअसल 9 फ्लोर ही है केवल, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट स्टोरेज 9th सेलेक्ट किया, और 9th सॉरी हमें 10th सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टोरेज 10th और डिलीट हमारे पास, तो एक ही स्टोर है ना, केवल यहाँ ममटी बनानी है हमें। तो हम गए प्लान 10th स्टोरेज, ठीक है, हमारी ममटी देखिए यहाँ पे बननी है, ठीक है। और यहाँ पे वन स्टोरी किया और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम कॉलम, कॉलम यहाँ पे, यहाँ, और बीम भी ड्रॉ कर देते हैं, और इसके ऊपर एक स्लैब, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसके जो कॉलम होंगे उनका साइज थोड़ा अलग है, जो टॉप पे कॉलम है, तो मैं क्या करता हूँ, टॉप के कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, इनको एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, नए कॉलम जो मैं नहीं दिए थे, ममटी कॉलम दे डाल देते हैं, ममटी कॉलम 25 और 400, ठीक है। अब इनको असाइन टू सिलेक्ट में चार कॉलम, फ्रेम सेक्शन ममटी कॉलम, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिक्कत है इसमें, बेस पे स्लैब नहीं होगी, तो मैं गया प्लान बेस और बेस पे जो स्लैब है वो डिलीट करते हैं, ठीक है।
अब ये हमारा मोटा बन चुका है। अब इसमें यहाँ पर सॉफ्ट है ना, और इस स्लैब के बाद जो नीचे स्लैब है वहाँ ओपनिंग है, क्योंकि तो लिफ्ट के लिए स्लैब होगी ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम जाते हैं प्लान पे एक नीचे, और यहाँ पे ओपनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने, और इससे हमने यहाँ पे ओपनिंग देनी है इस विंडो, या ऐसा कर सकते हैं इससे तो वॉल पे ओपनिंग लगेगी, हमें लगानी है स्लैब पे ओपनिंग। तो ड्रॉ करते हैं, इस ड्रॉ में देखिए जैसे हमें यहाँ पे ओपनिंग लगानी है, तो आप स्लैब का ऑप्शन चूज कीजिए वाला, और यहाँ पे डेक की जगह स्लैब में ओपनिंग कर देते, और जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ओपनिंग, एक मिनट यहाँ पे हम कर देते ऑल स्टोरेज, तो ये देखिए ऑल स्टोरेज में ओपनिंग हो गई। इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है, एक ओपनिंग हो चुकी। एक बार इसका आपको मैं दिखाता हूँ व्यू, रेंडर व्यू, इस तरह से ही बिल्डिंग है, ठीक है। देखिए यहां तो ओपनिंग है, लेकिन 3D में ओपनिंग नहीं दिखाता है, ठीक है, यहां ओपनिंग दिखा रहा है। अब इसको हम व्यू कर लेते हैं स्टोरेज हाइट के अकॉर्डिंग, दोबारा से स्टिक पे जाएंगे और स्टोरेज, इससे हमें सही से समझ में आ सकता है। अब ग्रिड को ऐड कर देता हूँ, अब हमें बनानी है वॉल, है ना, लिफ्ट के चारों, तो हम गए प्लान, ठीक है, वॉल स्टोरेज, और यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं वॉल, कंक्रीट वॉल डिफाइन करते हैं, डिफाइन सेक्शन वॉल सेक्शन, ठीक है, 230 mm की वॉल, सॉरी 200 mm की, और यहाँ पे M25 200। देखिए हो सकता है टेक्निकल कुछ चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉडलिंग सिखा रहा हूँ, इसमें टूल सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल आइकन ये है आपका, यहाँ क्लिक किया हमने, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ क्लिक किया, और 3D में हम देखेंगे तो हमारी वॉल बन चुकी है ना। एक बार इसका रेंडर व्यू और चेक कर लेते हैं, अभी वॉल जनरेट नहीं हुई है, दोबारा से जाते हैं प्लान, वॉल के आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हमने वॉल नहीं ली, ओपनिंग दी हुई है वॉल 200 mm, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ और यहाँ, तो देखते हैं 3D में वॉल ड्रॉ नहीं हो पा रही है, एक्सट्रूड हटा देते हैं एक मिनट, ठीक है, और ओके यहाँ ओपनिंग लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने गलती से वॉल में ओपनिंग सेलेक्ट कर लिया था, इसको रोटेट करते हैं और ओपनिंग को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। यहाँ पे वॉल लग चुकी है,
ये डिलीट हो गया। अब प्लान पे जाते हैं, अब गोल हम ड्रॉ करते हैं। अब गोल ड्रॉ हो चुकी है, अब देखते हैं 3D में। ठीक है, इसको जरा व्यू हम ऑब्जेक्ट टाइप कर लेते हैं। ये भी अब हम चाहते हैं कि यहाँ लिफ्ट में ये जो गोल है, ये वाली, सॉरी ये वाली, ये वाली, इसमें हमारी ओपनिंग हो, है ना। तो सबसे पहले से कर लेते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सोन, इसमें ओपनिंग लगाना चाहते हैं, ठीक है, एक डोर की। तो हमें ये वर्टिकल लेना है, ये वाला आइकन, और इससे इसमें ओपनिंग लगाना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही ये पूछता है साइज, तो 2 मीटर विड्थ का गेट होगा हमारा, जैसे कि 2.5 मीटर का ले लेते हैं, 1500 mm विड्थ और 3 मीटर, सॉरी 2 मीटर हाइट, 2.5 मीटर हाइट ले लेते हैं, ठीक है, लॉक कर देते हैं। और जब हम यहाँ ओपनिंग लगाएंगे तो ये ऐसे आएगा। अंडो कर लेते हैं एक बार, सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, और ओपनिंग इसको लॉक करना होता है यहाँ पे, देखिए तभी फिक्स ले आता है। इसी ओपनिंग को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं नीचे, ठीक है, एडिट रेप्लिकेट बाय स्टोरेज। तो मैं इस चीज को 9 से लेके फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये है हमारी मॉडल, रेंडर भी देख लेते हैं इसका। ओपनिंग रेंडर व्यू में नहीं दिखाता है, अगर हम इसको एक्सट्रूड नहीं कर लेते हैं तो इस तरह से दिखाएगा, और इसको अगर हम स्टोरे वाइज कर लें तो इस तरह से दिखाएगा। तो और भी कोई अगर आपका क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये केवल वीडियो आपके लिए मॉडलिंग के लिए थी, टूल्स यूज़ करने के लिए, टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू।